सबलिट यूनिट पार्ट वन में इंडोर यूनिट के सारे पार्ट्स अलग किए थे। अभी इंडोर यूनिट पार्ट टू में सबलिट यूनिट के तमाम पार्ट्स को जोड़ेंगे। सबसे पहले मोटर में ब्लोअर को फिट करेंगे। मोटर के शाफ्ट पे ये कट बना हुआ है, इसके ऊपर स्क्रू टाइट करेंगे। इसके बाद इस साइड पे ये बुश है, बुश को अंदर की तरफ से हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये ब्लोअर आसानी से इसके ऊपर घूम सके। ऑयल लगाने के बाद बुश को अपनी जगह टाइट करेंगे। मोटर का जो ग्रिप खोला था उसको लगाएंगे। एवोपरेटर की फिटिंग करते हैं। ये कॉइल क्लिप में बैठ गई है। अब इस कॉइल के ऊपर ये पीस लगाते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी कॉइल की ग्रिप के लिए ये पीस लगाएंगे। ये मोटर मोटर का भी क्लिप लगा दिया है। कॉइल को ग्रिप करने के लिए जो लगा हुआ है इसको भी अपनी जगह पे लगा दिया है। कॉइल मजबूत हो गई है, अपनी जगह बैठ गई है। और दूसरी तरफ से भी कॉइल की ग्रिप वाला पीस लगा दिया है। पाइप की ग्रिप के लिए जो क्लिप लगा हुआ है उसको भी लगा देते हैं।
इसके बाद ड्रेन ट्रे, आप ड्रेन ट्रे की फिटिंग करते हैं। ड्रेन ट्रे के भी ये लक्के बने हुए हैं, इनमें इसको बिठा देते हैं। इसके बाद स्विंग की मोटर और आगे स्विंग वाली पत्रियां लगाते हैं। कॉइल फिटिंग के बाद ड्रेन की ट्रे की फिटिंग की। इन ड्रेन ट्रे को अपनी जगह क्लिप में फंसाया। इधर से भी इस क्लिप में ड्रेन ट्रे को बिठाया है अपनी जगह पे। इसके बाद एयर फ्लैपर की सेटिंग फिटिंग की है। स्विंग मोटर को अपनी जगह जैक इसके बिठा कर इसके स्क्रू वगैरह टाइट किए। अब इसकी वायरिंग बिठाएंगे। वायरिंग का कवर अपनी जगह बिठा कर इसमें वायरिंग फिट करेंगे। पीसीबी किट की फिटिंग करेंगे। सबसे पहले ट्रांसफार्मर की सेटिंग करेंगे। ट्रांसफार्मर को अपनी जगह बिठाएंगे। ट्रांसफार्मर को अपनी जगह बिठाने के बाद मोटर के जैक और स्विंग मोटर के जैक भी अपनी जगह लगाने हैं। स्विंग मोटर के जैक और मोटर के जैक ये अलग अलग मुख्तलिफ होते हैं। एक जैक दूसरे जैक में नहीं लग सकता। अपने अपने साइज़ के इनके जैक हैं। आसानी से उनमें लग जाते हैं। स्विंग का जैक मोटर्स की स्पीड और मोटर की मेन सप्लाई का जैक अपनी जगह लगाने के बाद किट को रनर में फंसा देने। वायरिंग अपनी जगह बिठाने के बाद 8 की भी तार भी लगानी है। उसके बाद कॉइल का सेंसर भी अपनी जगह लगा दिया है। वायरिंग की तारें भी लगा कर बाहर निकाल दी हैं। वायर का जो ग्रिप है वो भी लगा दिया है। अब इसका ऊपर वाला कवर लगाएंगे।
डिस्प्ले की भी फिटिंग हो गई है, फिल्टर भी बिठा दिए हैं। इस तरह इंडोर यूनिट के सारे पार्ट्स को अपनी अपनी जगह पर बिठा कर स्क्रू टाइट किए हैं। अब ये यूनिट हमारा मुकम्मल तैयार हो गया। यूनिट को ऑन किया, फैन कोयल यूनिट को, इसका डिस्प्ले भी ऑन है। और इसकी स्विंग भी चल रही है।